नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना क्वेश्चन इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस चीज़ को समझने से पहले हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो प्रॉपरली वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं इनसाइट में अवेलेबल होता है। इनसाइट मीन्स हमारी, जब हम एकांत में बैठ के किसी चीज़ को सोचते हैं और ऑटोमेटिक हमें विचार आता है कि ये हमारे लिए यूज़फुल है, इसे हम बोलेंगे इनसाइट्स। और जो हमारी क्रिएटिविटी है ये टोटली सीधा इसको इम्पैक्ट करती है। कैसे? कि क्रिएटिविटी जब आप अकेले में बैठ के होंगे और उस चीज़ के बारे में अच्छे से सोच रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, जितनी भी यूजफुल डाटा है, अनयूजफुल डाटा है और कंपैरेटिवली जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल है, वो आपका माइंड जिस प्रकार से उनको गेट टुगेदर करेगा वो होगा आपका इनसाइट प्रोसीजर, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा आपके माइंड में विचार क्रिएट होगा जो आपके लिए सूटेबल होगा कि आप इसी चीज़ की तलाश कर रहे थे। तो क्रिएटिविटी आपकी इन्फॉर्मेशन को देखने का नज़रिया बदलती है कि आप उस प्रॉब्लम को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ये क्रिएटिविटी की सपोर्ट से होता है। जैसे कि आपको कहीं पर जाना है, आपने सभी चीज़ें ट्राई किया कि भाई बस से जाएंगे, किसे आपको कुछ अवेलेबल नहीं मिला, आपने ट्रक, आपने देखा कि ट्रक जा रहा है तो आपने ट्रक वाले से सपोर्ट मांग ली और आप उसके साथ चले गए। ये आपका क्रिएटिविटी बहुत बेसिक एग्जांपल है। मींस आपको गोल पता है लेकिन आपको रास्ते नहीं पता, जिसे जैसे कि इस हम कहते हैं कि ज़िंदगी में गोल को पक्का रखें और अपने रास्तों को ज़रूर बदलें, अगर इस रास्ते से सफलता नहीं मिली तो दूसरे रास्ते को बनाएं। ठीक क्रिएटिविटी का भी यही एग्जांपल होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है वो डिपेंड करता है कि वो आप पॉजिटिव है नेगेटिव है, या आपका माइंड किस नज़रिए से आपके साथ ले रहा है स्टार्टिंग से ही। तो जो क्रिएटिविटी है वो तीन बेसिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सेलेक्टिव एनकोडिंग। इस प्रोसेस में जब क्रिएटिविटी की सपोर्ट से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है तो इसमें जो डाटा अवेलेबल होता है, मीन्स आप घिरे रहते हैं डाटा की इन्फॉर्मेशन, यूजलेस इन्फॉर्मेशन से, उसमें से पर्टिकुलर सेलेक्ट करना कि कौन सा डाटा आपके प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, एनकोड किया जा सकता है, केवल उसी पे फोकस करना, उसे हम बोलते हैं सेलेक्टिव एनकोडिंग। मींस ढेर सारे डाटा से आपको सिर्फ और सिर्फ ये कंसीडर करना कि कौन सा डाटा आपके रिजल्ट के लिए कैपेबल या ओरिएंटेशन करने में सपोर्ट करेगा। इसका एक एग्जांपल है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का पेंसिलिन की खोज। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढेर सारे प्रोडक्ट को सर्च किया, एक्चुअली वो सर्च करना चाह रहे थे पेंसिलिन जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, तो सडनली उनको एंटीबॉडीज़ का जो उनके लेंस के ऊपर आके मिल गया, जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से चेक किया तो उनको वही प्रोडक्ट में वो सभी प्रॉपर्टीज़ मिली जो एक प्रॉपर एंटीबॉडी बनाने में सपोर्ट करता था। दूसरा है हमारा सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन। सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन, आप जो चीज़ मैंने कही पहले कि आप ढेर सारी इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, इसमें से आप जो इन्फॉर्मेशन, आपको पता है कि ढेर सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है लेकिन उनको किस पैटर्न में अरेंज करना है जिससे कि आप अपने डिज़ायर गोल को अचीव कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना, आपको कंबाइन करके आपको उनकी एक पैटर्न क्रिएट करना, जैसे कि डार्विन की थ्योरी थी। डार्विन की थ्योरी में कहा गया था कि ह्यूमन अपने इन जानवरों से इवॉल्व होकर ह्यूमन अपनी स्टेज पर आया है। उसने इस चीज़ का क्या किया, सॉल्यूशंस उसके पास अवेलेबल थे, पास्ट हिस्ट्री की कंप्लीट रिकॉर्ड्स थे, उसके बाद उनको आपस में कलेक्ट करके उन्होंने बताया कि जो ये थ्योरी थी इस वे से, और उनको सपोर्ट और रिजल्टेंट किया था डीएनए ने। डीएनए ने प्रूव किया था कि जो जानवर हैं हमारे, कुछ जैसे चिंपैंजी वगैरह हो गए, तो 95% तक डीएनए ह्यूमन के साथ उनके मैच होते हैं। ये उनको एडिशनल सपोर्ट दे दिया। हमारा तीसरा और इंपॉर्टेंट है सेलेक्टिव कंपैरिजन। आपके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उनमें से
उनका कंपेयर कर लेना। जैसे कि एक फेमस साइंटिस्ट हुए कैकुले, उन्होंने एक फेमस स्ट्रक्चर की खोज की थी जिसे बोलते हैं बेंजीने रिंग। उसका उनको जो इंसाइट आया था उनके दिमाग में, इंसाइट आया, उन्होंने रात को सपना देखा कि एक सांप खुद का ही मुंह अपने सांप ने अपनी पूंछ को अपने मुंह में ले लिया और वो मूव कर रहा है। तो इसी इंसाइट से उन्होंने अपने जो जिस प्रोजेक्ट पे वो रिसर्च कर रहे तो उसने इस ड्रीम को कंपेयर किया और उसी के हिसाब से सोचा कि मुझे ऐसा क्यों फील हुआ, और उन्होंने खोज की अपने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग की, जो एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी है। तो मींस आप पहले कुछ इंसाइट लेते हैं, इंसाइट आपका आता है अवेलेबल इंफॉर्मेशन से जो आपके लिए यूजफुल है नहीं है या फिर एडिशनल सपोर्टेबल है नहीं है। जैसे कि आपने फिर ड्रीम लिया या इंसाइट आपको अवेलेबल हुआ, इंसाइट का आपने देखा कि मुझे ये फील हुआ, आपने अपने कर रहे रिसर्च या वर्क पे जब उसके साथ कंपेयर किया तो आपने देखा कि मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो क्यों ना इसकी ये प्रॉपर्टी ऐसे ही, और अपने सोचने का नज़रिया उसके अकॉर्डिंग अपना चेंज कर लिया, इसे हम बोलेंगे सेलेक्टिव कंपेरिजन। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 नंबर में आ जाता है, आप इसके बारे में प्रॉपरली तैयारी रखिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। और मैं चाहूँगा कि इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन आपके रियल लाइफ में भी अप्लाईएबल है। आप इनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे डीपली तो आपको समझ आएगा कि आप भी कहीं ना कहीं इन्हीं मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू दोस्तों।